आपका क्रेडिट स्कोर कब ड्रॉप हुआ एंड आपको ये पता कब लगा? एक्चुअली हम 2012 में एक टू व्हीलर लिया था एक फाइनेंस कंपनी से, तो 2012 के बाद फाइनेंस ठीक ही चला, 2015 में ख़त्म हुआ वो। 2015 के बाद उसका NOC भी मिल गया, सब कुछ हो गया, तो हम उसका ऊपर उतना नज़र नहीं दिया, तो क्रेडिट स्कोर बोल के उतना कुछ मालूम भी नहीं था हमको क्या होता है नहीं होता है। तो मेरा सैलून को एक रिनोवेट का ज़रूरत था, तो सैलून के लिए लोन के लिए अप्लाई किया था, तो लोन एक कंपनी जो बैंक से अप्लाई किया था, बैंक बोल रहा है जो आपका लोन नहीं हो सकता, मतलब क्या कारण है, तो बोल रहा है एक ही बात है, उसका क्रेडिट स्कोर डाउन हो गया। हमको तब समझ में आया क्रेडिट स्कोर बोल के कुछ होता है। इस ड्रॉप की वजह से आपको अभी क्या क्या दिक्कत फेस करना पड़ रहा है? एक तो लोन नहीं मिल रहा है बोल के हम थोड़ा इधर उधर भाग दौड़ किया, करने के बाद क्रेडिट स्कोर के बारे में दूसरा के साथ डिस्कस किया क्या है नहीं है, तो अभी वो एक्टिव देखा रहा, तो एक्टिव जब देखा रहा तब वो कंपनी को हम मेल भी किया सब कुछ किया, तो अभी तक हमको कुछ उसका रिटर्न नहीं आया, उसका रिजल्ट नहीं आया, क्रेडिट स्कोर वैसे ही है, बैंक भी वैसे ही बोल रहा है, तो बैंक बोल रहा है आपका जब क्रेडिट स्कोर डाउन होगा तभी आपको लोन मिल सकता है, ये लेके हम झमेला में भी पड़ा हुआ है। रूपम जी ने अपना क्रेडिट स्कोर पहले ही चेक किया होता तो आज उनको शायद इतना दिक्कत झेलना नहीं पड़ता। ये आपके साथ भी हो सकता है। हम आपका स्टोरी जानना चाहेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में आपका स्टोरी हमारे साथ शेयर करें और एक्साइटिंग गिफ्ट वाउचर्स जीतने का मौका पाए। और ऐसे सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए अपने क्रेडिट स्कोर और रिपोर्ट को रेगुलरली चेक करने का आदत डालें। आज ही bankbazaar.com को विजिट करें और फ्री में अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें।